नमस्कार, मैं डॉक्टर विनय गुप्ता डेली हरियाणा न्यूज़ से। आज चेयरपर्सन पद के इकलौते आज़ाद उम्मीदवार जो इस समय मैदान में हैं, राम प्रताप गुप्ता जी कैथल की अनाज मंडी पहुंचे थे यहां के आड़तियों और अग्रवाल समाज का आशीर्वाद लेने। आइए इनसे खास बातचीत करते हैं और पूछते हैं कैसा इन्हें यहाँ से रिस्पॉन्स मिला। नमस्कार गुप्ता जी। मेरे को रिस्पॉन्स की जहाँ तक बात है, एक बेटा अपने माँ बाप के पास आता है तो उसे कैसा रिस्पॉन्स मिलता है। उस माँ बाप बेटे को देख के गदगद होता है और माँ बेटा तो अपने माँ बाप के चरणों के हाथ लगा के खुश होता ही है। वही रिस्पॉन्स मुझे आशीर्वाद यहाँ मिला है मुझे जी। गुप्ता जी, एक सवाल मेरा ये रहेगा, आपने अपनी स्पीच में ये कहा कि मैं सभी अग्रवाल परिवार से जो अपील करता हूँ कि मुझे वोट दीजिए, क्या आप मानते हैं कि अभी तो पूरे उम्मीदवारों की जो लिस्ट भी जारी नहीं हुई कि क्या कोई और अग्रवाल उस लिस्ट में नहीं? मैं इस बात के लिए मैं ये नहीं कह रहा, देखो मेरा अपना अपील करना फर्ज है, हर आदमी अपनी अपील करेगा। मैं कहता हूँ अग्रवाल समाज से कोई दूसरा भी आता है वो भी यही अपील करेगा, मुझे उससे कोई ग्रीवेंस नहीं है। मैं तो एक ही बात कहता हूँ कि अगर कोई बेटा 15 महीने से काम कर रहा है तो उसका अधिकार उस बंदे से ज़्यादा बनता है जो आदमी मात्र 20 दिन पहले आगे खड़ा हुए और आपके कहे जी मेरा साथ दो। किस चीज़ का साथ मांगता है वो? कम से कम कुछ करके दिखाए, समाज के लिए करे, परिवार उनके लिए करे, कुछ करे तो मांगने का भी राइट बनता है। गुप्ता जी, आपने इकलौते उम्मीदवार जिन्होंने हिम्मत दिखाते हुए बिना किसी पार्टी के आशीर्वाद के आगे आप आए हैं, तो आपका मुकाबला कैसा रहेगा बाकी पार्टियों से, कैसे देखते हैं, कहाँ अपने आपको स्टैंड खड़ा पाते हैं? देखो मैं तो एक ही बात कहता हूँ, जनता की आवाज़ सबसे बड़ी आवाज़ होती है और जो राजनीतिक पार्टियाँ इनको बनाने वाले भी हम जनता ही है, और पार्टियों में अगर जनता को निकाल दे तो इनके पल्ले जीरो हो जाते हैं। तो मैं तो एक ही बात कहता हूँ, अगर उनके विचार अच्छे हैं, अगर वो काम कर रहे हैं, अगर आज बीजेपी का कहो या कांग्रेस का पिछला इतिहास उठाओ, मैं उस बीच में बोलता नहीं हूँ, पर यह है कि मेरे अपने कार्यों से अगर मेरे में खूबी है, मेरे अंदर आकर्षण है या मेरी छवि ठीक है, मेरे इतिहास मेरे बुजुर्गों की छवि ठीक है तो मुझे काम मिला, आज बहुत अच्छा आशीर्वाद मिल रहा है। एक साल से लगातार मैं मंडी कवर कर रहा हूँ, पिछले सितंबर को मैंने पत्रकारिता ज्वाइन करी ही मंडी से थी, क्या समस्याएँ यहाँ के मंडी के लोगों ने उठाई हैं सर? मांगे तो यहाँ बहुत हैं जी, देखो मैं बताऊँ, देखो हमेशा मंडी का शोषण होता है। देखो हमारे यहाँ प्रधान अगर एक प्रधान से दो बने तीन बने तो ये मंडी में राजनीति थी, ये होनी नहीं चाहिए थी, ये गलत हुआ। और ये बातें क्या है कि देखो मैं एक बात कहता हूँ, दबाव से कोई राजनीति नहीं होती, जिन लोगों ने दबाव से राजनीति करी उनका हश्र क्या हुआ वो खुद ही जानते हैं, मंडी भी जानती है। राजनीति होती है प्यार से, अगर आप लोगों के दिलों में घुसोगे तो आप कामयाब होगे, आपके कार्य अच्छे होंगे तो आप कामयाब होगे। अगर मैं एक सोचता हूँ भाई इसको दबाव से राजनीति कराऊँ, दबाव की कोई राजनीति नहीं। गुप्ता जी, कैसा रिस्पॉन्स रहा मंडी के लोगों का? मेरा तो मेरे लिए तो जैसे एक माँ बाप अपने बच्चे को आशीर्वाद देता है, ऐसे ही मेरे ये सभी माँ बापों ने मुझे बहुत आशीर्वाद दिया मंडी ने, और मंडी के लिए मैं सदैव ऋणी भी हूँ और मंडी का सबसे पहला हक मेरे ऊपर है। भैया जी बेटा, मैं आज का नहीं, 1938 से हमारे बुजुर्ग यहाँ आए थे तो हमारे बुजुर्गों का हमारे जो हमारे पिताजी हैं उनकी उम्र के हैं उनके साथ संबंध रहे हैं, हमारे पिताजी की उम्र के साथ संबंध रहे हैं उनके साथियों का, मेरा मेरे साथ रहा है तो मुझे तो बहुत प्यार और स्नेह मिलता है। और मैं इसमें आश्वस्त भी हूँ कि मंडी मेरा बहुत तहे दिल से साथ देगी और दे भी रही है जी। तो ये थे हमारे साथ राम प्रताप गुप्ता जी, जो अग्रवाल समाज से पहले ऐसे इकलौते नेता हैं जिन्होंने हिम्मत करके बिना किसी पार्टी के जो आशीर्वाद के अपना नाम उद्घोषित कर दिया है आने वाले चुनावी रण के लिए। अब देखना ये होगा कि मंडी का, अग्रवाल समाज का, आम समाज का और 36 बिरादरी का इनकी उम्मीदवारी के प्रति क्या रिस्पॉन्स रहता है। ये थी खास पेशकश, मैं डॉक्टर विनय गुप्ता डेली हरियाणा न्यूज़ से अपने सहयोगी कैमरामैन के साथ।